हेलो फोक्स, कल मैंने अपने यूपीएससी जर्नी का इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड बाय इवनिंग आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए टू शेयर मच मोर अबाउट माय यूपीएससी जर्नी। तो आज भी मैं अपने यूपीएससी जर्नी के कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ और ये इंसिडेंट्स केवल मेरे प्रिपरेशन टाइम में नहीं हुए हैं, इवन क्वाइट रिसेंट टाइम्स में व्हाइल आई वाज मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स दीज इंसिडेंट्स हैपेंड। और ये सारे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं आपको ये कंक्लूड करने पे मजबूर कर देंगे दैट इन दिस प्रिपरेशन प्रोसेस यू आर नॉट ऑल अलोन, देर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको प्रोपेल करेंगी आपके सक्सेस की तरफ, प्रोवाइडेड आप ऑनेस्ट हैं अपने आप से इस प्रिपरेशन प्रोसेस में। तो ऐसे ही कुछ तीन इंसिडेंट्स हैं, दो इंसिडेंट्स तो मेरे साथ हुए हैं और एक मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। और ये तीन के तीन इंसिडेंट्स में आप देखिएगा, अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर तो कैसे प्रकृति, नेचर या यू कहे तो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको हेल्प करती हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो ऐसा पहला इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूं। द ईयर वॉज 2006, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, एंड दैट वॉज द ईयर आई वॉज कंप्लीटिंग माई इंटर्नशिप। I had just graduated in Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery, that is BAMS, from Banaras Hindu University. And I was just completing my internship. In short, मेरे पास बहुत कमी थी समय की इस तैयारी में और ये prelims की तैयारी चल रही थी। The examination was in the month of May और अप्रैल का month था। At that time, I was living outside my hostel of BHU. I had taken a room and I was living all alone. और just 15 days examination में रह गए थे तो एक incident हुआ मेरे साथ। मेरे room की ट्यूब लाइट खराब हो गई and जैसा होता है हमेशा aspirants जैसे गुस्से में आते हैं, इस समय यही होना था, वैसे ही मेरे मन में हुआ that 15 days रह गए हैं, अब ट्यूबलाइट लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, टाइम कितना जाएगा, इसमें टाइम की अपने कमी है, पता नहीं किस्मत साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो इन ऑल दिस आई वेंट आउट वेरी एंग्री ओवर माई किस्मत पे मैं बहुत गुस्सा था। एंड इन ऑल दिस आई वेंट आउट, बॉट अ न्यू ट्यूबलाइट एंड केम बैक इन टू माई रूम और ट्यूबलाइट फिक्स करने के लिए मैं कोशिश करने लगा। फिक्स करने में बहुत परेशानी हुई क्योंकि ट्यूबलाइट का फ्रेम भी बहुत पुराना था एंड ऑल दिस टुक मी 30 to 35 मिनट्स। जो 5 से 10 मिनट का काम था वो 30 से 35 मिनट में तब्दील हो चुका था। और इस सारे प्रोसेस में ट्यूबलाइट लगाने में जब मैं फ्रेम में फिट कर रहा था ट्यूबलाइट तो बार बार नजर जा रही थी वहां पे कुछ प्रिंटेड था। प्रिंटेड में मैंने एक चीज देखा दैट अपार्ट फ्रॉम द कंपनी नेम वहां पे कुछ 6500 के केल्विन प्रिंटेड था। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था मैंने वहां पे, ये बात आई गई हो गई। आफ्टर दैट ट्यूबलाइट फिक्स हो गया और मैं अपनी तैयारी में लग गया। 2 weeks के बाद एग्जैक्टली मेरा प्रीलिम्स 2006 का, एंड व्हेन आई वेंट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, जनरल स्टडीज का पेपर और उसमें एक सवाल, और वो सवाल आपके सामने मैं स्क्रीन पे पुट अप कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन अ कॉमनली यूज्ड फ्लोरेसेंट लाइट, और देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 220K, बी 273K, सी 6500K एंड डी 9000K। के डिनोट्स केल्विन आउट हियर। तो आप बताइए कि वो इंसिडेंट मेरे लिए हानि करके गया या मेरे लिए लाभ करके गया। डिड इट यील्ड मी डिविडेंड्स दैट इंसिडेंट। इन द एग्जामिनेशन हॉल आई रियलाइज दैट इवेंट हैड अकर्ड टू प्रोबेबली गिव मी +1 क्वेश्चन इन यूपीएससी GS prelims, and that day thanked God कि ना ट्यूबलाइट खराब हुआ रहता ना मैं ये नोटिस किया रहता। नेक्स्ट सेकेंड इंसिडेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो क्वाइट रिसेंट है, ईयर 2016। आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेंटरिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स को मैं उस समय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के बारे में पढ़ा रहा था। ऑल बिकॉज ये करंट अफेयर्स में चल रहा था, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लस फूड की स्टैंडर्ड्स के बारे में।
और उस दौरान जस्ट एक दिन मैं ग्रॉसरी के शॉप पे गया जस्ट टू टेक अप सम ग्रॉसरीज फॉर माई होम, एंड बिलिंग के समय थोड़ा डिलेज हुए और उसी समय बस अचानक से नजर पड़ गई प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर जो केक्स और पेस्ट्रीज के पैकेट्स रहते हैं सुपरमार्केट शॉप में, एंड इट वॉज जस्ट लाइक आई वेंट ऑन टू गिव अ ग्लांस ओवर वॉट वॉज रिटन अपॉन द पैकेट. और तब मुझे वहां पे एक पॉइंट नोटिस किया मैंने दैट सारे पैकेट्स पे वेज और नॉन वेज का भी सिंबल रेड या ग्रीन डॉट्स जैसा कि आपने देखा होगा वो पुट किया हुआ है. तो टेक्स्ट में कहीं भी मेंशन नहीं था ये चीज, और मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट किया एंड आई वेंट टू टीच द स्टूडेंट्स दैट फूड पैकेट्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन पुट इन किया जाता है. एंड जस्ट 3 months आफ्टर दैट अ क्वेश्चन केम ओवर FSSAI जो मैं स्क्रीन पे फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं वेज और नॉन वेज फूड का इंफॉर्मेशन ऑप्शन में दिया हुआ है. अलॉन्ग विद दैट और भी 2 points हैं और ये सब के सब फूड पैकेट्स के ऊपर की इंफॉर्मेशन को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड दैट अगेन आई थॉट दैट शायद डिले हुआ था सुपरमार्केट शॉप में बिलिंग के समय. ना डिले हुआ रहता ना मैं वो फूड पैकेट्स मैंने देखा रहता, और ना मैंने देखा रहता ना मैंने एक्सट्रैक्ट किया रहता इंफॉर्मेशन. इसीलिए मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को या मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, बी अ कीन ऑब्जर्वेंट इन द प्रोसेस. हम लोग थ्योरी पे बहुत फोकस करते हैं, बुक्स पे बहुत फोकस करते हैं. ये एग्जामिनेशन बुक्स का तो है ही, एग्जामिनेशन में इक्वल रेलेवेंस प्रैक्टिकल चीजों का है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का है. और शायद आपके आंख और कान खुले रहेंगे, आप कीन ऑब्जर्वेंट रहिएगा तो शायद ये छोटी छोटी चीजें ग्रास्प कर लीजिएगा, और ये छोटी छोटी चीजें आपको रेस में बाकी लोगों से आगे कर देगी. तो ये 2 events तो मेरे साथ हुए. एक तीसरा इवेंट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जो एक मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ 2016 का ही ईयर था, एंड ही वॉज गोइंग टू अपियर इन द मेन्स एग्जामिनेशन एंड he had already given the general studies first and second paper on the previous day, and that day he was going to appear in general studies third and fourth paper. aur gs ke third paper ke baad ek break hota hai, us break mein wo he told that the previous day I had not gone to the canteen but this day I went to the canteen. to bombay mein examination center mein canteen mein a student gaya, and while waiting for his lunch he just saw something written upon the wall of the canteen. and what was written there? the information pertained to the 7 sins, the 7 social sins as given by Gandhiji. he thought time to baki hai, khane ke liye bhi wait kar rahe hain, kyun na is pe information jo diya hua hai thoda extract kar le. ethics ka paper hai, gs paper 4 hai, kuch share kar denge value addition mein. और वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में. तो ही वेंट थ्रू दैट इंफॉर्मेशन गिवन अपॉन द पुट अपॉन द वॉल, एंड देन आफ्टर टेकिंग लंच ही वेंट बैक इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड बिहोल्ड द क्वेश्चन हैड एग्जैक्टली कम इन दैट वे. यूपीएससी हैड आस्क्ड द 7 social sins एज गिवन बाय गांधीजी, एंड ही वॉज लाइक स्टम्प्ड, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे आ गया ये सवाल. अभी जस्ट मैंने आधे घंटे पहले ये कैंटीन में देखा और ये सवाल यहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर में. He came and shared with me this incident of his. तो ये सारे इंसिडेंट शेयर करने का मेरा एम क्या है आज? You might be thinking over these incidents that maybe it was an intelligent guess, या maybe good luck, किस्मत रही होगी साथ में तो ये questions आ गए. लेकिन मैं यहाँ पे एक कोट देना चाहता हूँ एक हिंदी मूवी का. कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है. तो मैं यही कोट यहां भी पुट अप करना चाहता हूं. लव योर प्रिपरेशन, बी ऑनेस्ट. पूरे दिल से चाहने का मतलब होगा यूपीएससी में ऑनेस्ट तरीके से तैयारी करना, अपने आप से कम ऑनेस्ट रहना. लव योर प्रिपरेशन, जुनून के साथ लग जाइए. इंटरनल फोर्सेस जो आपके अंदर हैं उनको ऑनेस्टली पुट इन कर दीजिए अपने प्रिपरेशन में, फुल फ्लेजेड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी डेविएशंस के. और तब देखिएगा आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्सेस भी, प्रकृति भी, नेचर भी आपका साथ देगी.
आपको लगेगा यूपीएससी के प्रिपरेशन प्रोसेस में कि सारा एग्जाम प्रोसेस इजी हो गया है। एग्जाम हॉल में आप जाइएगा, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा आपने वही पढ़ा था और वही आ गया है वहां पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेस वर्क, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजेंस, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट अ कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ लाइफ। इंटरनल फोर्सेज आपको पुट इन करना है एंड लीव द रेस्ट टू नेचर, प्रकृति। वो अपने एक्सटर्नल फोर्सेस आपके साथ कंप्लीमेंट कराकर आपको आपके सक्सेस की तरफ प्रोपेल कर देगी। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज टू कम अप। थैंक्स अ लॉट।